तो आज हम लोग आए हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता एमटी अंसारी जी से बात करने, जहां आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि देश की जो राजनीति है वो किस तरह की हो गई है, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा वो करते हैं। तो आइए हम बात करेंगे एमटी अंसारी जी से। अंसारी जी, ये बताइए कि जो दलित की राजनीति चल रही है इस वक्त प्रदेश में, कि दलित के वहाँ मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जाते हैं, खाना खाते हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे कि किस तरह की राजनीति होगी? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो मिला हुआ भक्त हैं। जो दलितों को, महिलाओं को जो योजना मिलना चाहिए उनका लाभ हो नहीं रहा है। दलित बहुत परेशान है, अल्पसंख्या को बहुत परेशानी मिल रही है, और बुनकरों को जितने कपड़ा मिलने के देश में टांडा हो, बसखारी हो, ये सब मिले बंद हैं। उनको बेरोजी रोटी बेहाल पन्ना है, उनके पास कोई रोजी रोटी के जरिया नहीं है। और जितने बुनकर बेचारे कपड़े मिलते थे शुरू से, पुरुषों से आ रहे हैं। कोई सरकार इतनी तबाही बर्बादी नहीं की है जितना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुनकरों को परेशानी दे रहे हैं। मैं उनको मदद देने के लिए, मेरे पार्टी की तरफ से उनको मदद दी जाएगी। और 2019 में जो लोकसभा गठबंधन से हमारी सरकार बनती है और हमारे पार्टी माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, हमारे मायावती जी को मैं बधाई देता हूं, 2019 के चुनाव जीतने के सफल पाने के लिए। तो हमारा जो सवाल है आपसे, सवाल ये है कि दलित की जो राजनीति चल रही है इस प्रदेश में, उस पर आप क्या कहेंगे? ये दलित की जो राजनीतिक चल रही है, सिर्फ दलित के झूठा आश्वासन दे रहे हैं। ये तो मालूम हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, पूरे देश में झूठा साबित हो गई है कि झूठ आश्वासन पूरे देश को दिए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाना पूरे भारत का है, पूरे इतिहास है। जैसा कि AMU में इस समय इतना विरोध प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो छात्र के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, ये मिली भक्त सरकार है, ये बवाली सरकार है। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुकदमा वापस लेने चाहिए और युवाओं को मदद देनी चाहिए। हालांकि किसी सरकार में यह हादसा हुआ नहीं, जो हादसा मैं इस सरकार में देख रहा हूँ। एक तरफ ये कहते हैं छात्रों को मैं 1,60,000 नौकरी दूंगा, दूसरे छात्रों को पुलिस के डंडे से मार खिलाते हैं। पुलिस को भी कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को कानून व्यवस्था, उनको लाभ टाइट करना चाहिए जो अधिकारी लापरवाही में बैठे हुए हैं। नहीं तो जो जौहर विश्वविद्यालय में समय जिन्ना की तस्वीर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? जिन्ना कैसे व्यक्तित्व के थे? वो जिन्ना के ऊपर ये है कि जो नियम अनुसार जो CBI जाँच की जाए और CBI जाँच के ऊपर जो हकीकत निकले उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को नियम अनुसार जो जांच में सत्य पाया जाता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई किया जाए। तो जैसे इस समय देश में इतने दंगे हो रहे हैं और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्या आप लोगों की राय है? आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? भाई जितने बलात्कार ये हो रही हैं, बलात्कार के ऊपर कानून व्यवस्था टाइट होनी चाहिए। और जो अभी लोकसभा में बिल पास हुआ है कि 7 साल और 12 साल बच्ची के ऊपर जो बलात्कार करेगा उनको फांसी दी जाएगी और 7 साल की सज़ा दी जाएगी, लेकिन ये कानून पास करने से नहीं होगा। कानून के पूरे प्रदेश में जितने आला अधिकारी अफसर हैं वो कानून को, नियम को पालन करें, और नहीं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए फौरन उस अधिकारियों के लिए निलंबित करे जो कानून व्यवस्था किनारे ढक्कन में ताके पे पैसा खाने के रिश्वत के चक्कर में बंद कर रख लेते हैं। तो इन लोगों जो कर रहे हैं इस समय सरकार में, ये लोग तो काम, जनता का कहना है कि काम अच्छा कर रहे हैं और कानून जो बनाया है वो भी अच्छा कानून बनाया है, इस पर जनता तो खुश है, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है? कानून बहुत सही बना है लेकिन 60 साल नहीं रखे। जो कोर्ट से आदेश होता है बलात्कार के ऊपर तो फौरी तौर पर उनको फांसी देनी चाहिए, किसी के भी माँ बहन हो, जांच की बात, उनको फांसी होनी चाहिए। किसी का भी, किसी के साथ बलात्कार ये किया जा रहा है,
आज जब वो एक बयान और देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि मैं तो गाय गौ बचाने के लिए रक्षा करता हूँ, मैं बेटी के नहीं, न उनके पास बेटी है और न बेटा है, तो क्या दर्द जाने गए बेटी को, क्या दर्द जाने गए बेटा को। तो इस समय जो कर्नाटक चुनाव हो रहा है उस पर आज मुख्यमंत्री जी की कम से कम 5 रैलियां हैं, जो कर्नाटक चुनाव पे योगी आदित्यनाथ जी गए हैं उस पर आप लोग क्या कहेंगे कि कर्नाटक में क्या इनकी जीत निश्चित है? कर्नाटक में जीत इनकी नहीं है, कर्नाटक में जो जीत होगी 5 दल मिल के जो हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सपा, भाजपा, कांग्रेस और मेरी पार्टी, और उम्मीद जताता हूँ रुपया में 99% के गठबंधन से सरकार ये हम लोग के बनेगी, और इनकी जितनी झूठा विश्वास दिए थे पूरे देश के सब जनता को मालूम हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री कितना सच्चे हैं, कितना विश्वासदार हैं और कितना योगी आदित्यनाथ जी बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं कि विश्वास देकर विश्वासघात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुछ शहरों में चले जाइए, 173 विधानसभा में अभी तक रोड नहीं बना है, अभी नाला खुद गया है, बच्चे 8-10 साल के स्कूल से आते हो, बच्चे गिर जाएंगे उसमें मर जाएंगे, नाला नहीं बना है, पार्षद ठंडे बक्से में 173 विधानसभा में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे यहाँ से आपके हजरतगंज से चिड़ियाघर तक या दारुल सफा तक इतने कैमरे लगे हैं, उसके बावजूद लोग शाम को शराब पीते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कम काम कर रही है, सही से काम नहीं कर पा रही है? जो शराब जिस तरह से बिहार में बंद किए हैं उसी तरह से पहली मुद्दा यह है कि शराब बंद होनी चाहिए, जब शराब बंद नहीं होगा तो क्राइम बढ़ा करेगा। पहले चीज़ उनको बिल्कुल उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी को शराब हटा देना चाहिए, और जब शराब हटा देंगे कोई क्राइम नहीं होगा, क्राइम का जड़ है शराब ठेका। आपके हिसाब से जो क्राइम हो रहा है वो शराब की वजह से हो रहा है? शराब पी नशे के कमाएँ 300, शराब पी के जाएंगे अपने बाल बच्चे को बीबी को मारे पीटेंगे। अरे जो गंदगी है वो गंदगी पहले दूर करिए, जैसे बिहार में शराब बेचना बंद हो गया वैसे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि यूपी में शराब बंद हो जाएगा, तो शराब कहाँ बंद हुई है, शराब तो कहीं बंद हुआ नहीं है, पहले शराब बंद करे क्राइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्राइम तो शराब से हो रहे जो नशे की हालत में हो रहे हैं। आपका कहना है कि शराब को बंद कर देना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में शराब, पूरे उत्तर प्रदेश चाहे पूरे देश में शराब नहीं बिकनी चाहिए, शराब पर रोक लगाएं, बियर पर रोक लगाएं। तो आपको क्या लगता है ये इतना आसान होगा प्रदेश सरकार के लिए? जब उनके हाथ में कानून है, वो पूरे आला अफसर हैं पूरे देश को, पूरे देश को आला अफसर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, वो चाहें तो अभी शराब बंद कर सकते हैं, अभी चाहे लाइसेंस निरस्त कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, वो उन अपनी सह दे के सब शराब बेचवा रहे हैं, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो काम कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन कानून कोई नाम की चीज़ नहीं है, आप टेढ़ पुलिया से निकलिए कुर्सी रोड के ऊपर 6-6 घंटे जाम लगते हैं, मरीज आएगा रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे, मरियाँव से निकलिए सीतापुर होते हुए बलरामपुर अस्पताल के लिए रास्ते में मरीज ख़त्म हो जाएंगे, पुलिस कानून व्यवस्था कोई नहीं है, मरियाँव थाने के अंदर कॉलोनी में घुस जाइए नवस्था पुलिया तरफ, पंडित जितने वहाँ के जात हैं पंडित रोड पर ठेला लगाए रहते हैं, उधर से जो 4-व्हीलर लेके आता है इमरजेंसी में मरीज लेकर आते हैं, तो मरियाम इंस्पेक्टर यह कहता है कि कानून कोई नाम की चीज़ें नहीं रहा है, हम क्या करें, तो तुम ऐसो बन के काहे के लिए भेजिए मुख्यमंत्री तुमको? ऐसो क्या कहते हैं? ऐसो ये कहते हैं कि भाई कानून हमारे पास है नहीं है, मैं क्या करूँ देख लूँगा, तो ऐसो घर में घुसे थाने में घुसे हैं, रोड पर जाम लगा हुआ है, पूरा नगर आयुक्त से लेकर पूरी प्रशासन रोड को क्लियर करना चाहिए, रोड है आम जनता को चलने के लिए, हालांकि नहीं दुकान व्यापार और ठेलिया लगाने के लिए नहीं होती है। तो ये थे एमटी अंसारी जी, एनसीपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय सचिव हैं। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं विक्रम कश्यप आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए हमारे ST News चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें।